सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र कपूर, देवभूमि हिमाचल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताऊँ, आज मैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्थान पे आया हूँ और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारे हम फैमिली वाले एक मंदिर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे दोस्तों रास्ता कुछ सड़क का काम लगा हुआ, तो वहाँ से हमें आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। तो बहुत ही सुंदर वाला मंदिर है दादी माँ जी का, तो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ के नज़ारे। और यहाँ पे सामने अक्षरा जा रही है, हाय बोल दो। हाय। और यहाँ पे है आर्यन, आर्यन हाय बोल दो। हाय। और यहाँ पे है इनकी मम्मी, और सबसे आगे आगे जा रहे हैं बीबी जी, कमर पे हाथ रख के। कमर पे क्यों रखा हुआ था? कमर झुकंदे है, स्पीड लगंदे है। अच्छा अच्छा, जा बरे बिछुरे है। पण ऐसे समझाओ। और दोस्तों, हमने थोड़ा सा यहाँ पे सफर तय कर लिया है, धूप बहुत ज्यादा है। और दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त वाली आज गर्मी है। और सामने यहाँ पे बहुत ही बड़ा आम का पेड़ है, उसके नीचे हम थोड़ी सी रेस्ट करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा आम का पेड़ है और इसके नीचे आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी छाया है। तो यहाँ पे सारे सब ने अपने अपने बैठने के लिए सीटें संभाल ली है, और मेरे लिए शायद एक यहाँ बची है, यहाँ मैं बैठता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अब हमारी रेस्ट हो गई है, तो चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि सफ़र अभी बहुत ही ज़्यादा है। और सामने पहाड़ों में दोस्तों अभी भी बर्फ़ है। इस बार के मौसम की कोई समझ नहीं आ रही है, पर क्यों मौसम अपने ही कुछ हिसाब से चला हुआ है। और यहाँ पे है अक्षरा जी चेहरा छुपाते हुए। तो व्यू यहाँ पे बहुत सुंदर है, सुंदर वाली और हरी भरी घास लगी हुई है। दोस्तों, सभी मेरे आगे आगे चले हुए हैं और मैं इस टाइम सबसे पीछे हूँ। बहुत ही ज़्यादा धूप को लगी हुई है। तो दोस्तों, हम मंदिर के नज़दीक ही पहुँच गए हैं और यहाँ पे सुंदर सुंदर बैठने के लिए बेंच लगी हुई है, लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं बैठेंगे क्योंकि यहाँ पे धूप है। और चलते हैं आगे। दोस्तों, जैसे जैसे हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सबकी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि हमें कम से कम 1 किलोमीटर पैदल सफ़र करना पड़ा और फाइनली हम गेट के पास पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, अभी हम बढ़ रहे हैं माता की मंदिर के पास और बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है। फाइनली अब हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और सारे यहाँ पे अपने अपने हाथ धोएंगे। और थोड़ा पानी पी लेते हैं। बब्बे, ये मंदिर है। और मम्मी जी यहाँ पे धूप बना रहे हैं। वो
और ये है भराड़ी माता जी का मंदिर, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। रेस्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, इस मंदिर में अभी दर्शन हो गए हैं और यहाँ पे एक और मंदिर है जो कि दादी माता जी के, वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, शाम की अभी लगभग 4:30 हो चुके हैं और हम घूमते हुए हमें 2 से 3 घंटे हो गए हैं। एक मंदिर में हम गए थे और अभी रिटर्न दूसरे मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताऊं, हम एक मंदिर से होके आगे और दूसरे मंदिर में अभी पहुंच गए हैं और यहाँ पे पौड़ियाँ मंदिर की स्टार्ट होती है और वो ऊपर जाके मंदिर वहाँ पे है। तो देरी न करते हुए चलते हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ से आती है ये मेन पौड़ियाँ। दोस्तों, यह है दादी मां जी का मंदिर और बीबी ने अभी भी कमर पे हाथ रखे हुए हैं। इस मंदिर का निर्माण दोस्तों 1996 में हुआ है और चारों तरफ आपको बैठने के लिए बहुत ही सुंदर बरामदे मिलेंगे। का एक पेड़ है। देरी न करते हुए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा पुजारी बना हुआ है और साथ में बीबी। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खुशनसीब था, ऐसा मेरे को कुछ लग रहा है, क्योंकि आज दोस्तों दो मंदिरों को दर्शन किए और बहुत ही सुंदर जगह देखी। दोस्तों, जैसे कि आपको बताऊं, इस मंदिर में भी हमने अभी दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही सुंदर वाला व्यू है जो कि आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, बने रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताऊं, शाम की अभी लगभग 7:45 हो रहे हैं और हम अभी दूसरे मंदिर से भी होके आ गए हैं और आज का सफ़र वैसे तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन पैदल सफ़र से बहुत हालत ख़राब हुई। अभी पीछे आप देख पा रहे होंगे कैसे कैसे चले हुए हैं, सबके चेहरे ऐसे मुरझाए हुए हैं। आखिर कैसा रहा आज का सफ़र? अच्छा, कुछ शक्ल क्यों ऐसे बना के रखी हुई है? थकान तो लगी कुछ? बुखार चढ़ा। चलो ठीक है, करते दवाई वगैरह। जैसे कि आपको मैं बताऊं, आज का सफ़र बहुत ही रोमांच भरा था, क्योंकि हमने 2-3 मंदिरों के दर्शन किए और साथ में हमने अच्छे से व्यू भी घूमे, लेकिन
मतलब आज का सफ़र अच्छा होने के साथ साथ और बहुत ही थकान भरा भी था क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तो आज की अपनी वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए सबको जय देव।